आप स्पिरिचुअल एपिसोड में मिलना सावन का माह चल रहा है। इस पूरे माह शिव भक्त अलग 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 तरीकों से शिव जी की आराधना करते हैं। कोई सोमवार व्रत रखकर पूजा करता है तो कोई कांवड़ यात्रा कर शिव पर गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार पर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसे पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार पर कैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन नियम और लाभ होते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सिर्फ पवित्र नदी, तालाब या बेल के पेड़ की मिट्टी का ही उपयोग करें। मिट्टी में दूध मिलाकर इसे शोधित करें। अब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मिट्टी में गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर एक बड़ी सी पूजा के थाल में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। इस दौरान शिव मंत्र का उच्चारण करें। शिवलिंग का आकार 12 अंगुल से बड़ा ना बनाएं। इससे ऊंचा होने पर पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा के समय जो प्रसाद पार्थिव लिंग पर चढ़ाते हैं उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार पर पार्थिव लिंग की पूजा से पूर्व भगवान गणेश, माता पार्वती और विष्णु जी और नवग्रह का आवाहन करना चाहिए। अब पार्थिव शिवलिंग का षोडशोपचार विधि विधान से पूजन करें। शिवलिंग पर जल, रोली, दूध, दही, शहद, रोली, मोली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शिव के प्रिय पुष्प, भांग, भस्म इत्यादि अर्पित करने चाहिए। भोलेनाथ को भोग लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ भी उत्तम माना जाता है। सावन सोमवार पूजा में परिवार सहित शिव जी की आरती करने मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश होता है। शिव पुराण में भगवान विष्णु की आराधना के लिए पार्थिव शिवलिंग को सबसे उत्तम माना गया है। सावन सोमवार व्रत में घर पर ही मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, आरोग्य का वरदान मिलता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन के हर सोमवार पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधिवत पूजा करें और फिर अगले दिन इन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को नाश करता है। भगवान शिव की कृपा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।